नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों आज मैं आपको 20 साल पुरानी एक ऐसी टीचर भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के मुद्दा बहुत गर्म है, और वो लोग तैयार हो जाएं जिन्होंने 1998-99 में तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए आवेदन किया था और मेरिट में आने के बाद वो लोग जो है नियुक्ति से वंचित रह गए थे। तो इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। तो मेरे साथ पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि आगे 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 क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 1998-99 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बारे में, ठीक है। जिन्होंने आवेदन किया था उनको इस बारे में पता होगा, और अगर नहीं है तो एक बार फिर से इस वीडियो देखने के बाद ऐसे जो आपके परिचित हैं उनको जरूर बताएं कि इस बारे में कुछ होने जा रहा है। एक्चुअल में 1998-99 में जो भर्ती थी वो पंचायत राज विभाग के तहत की गई थी। इसमें हुआ क्या था, सरकार ने जो स्टेट का निवासी है यानी कि जैसे राजस्थान में भर्ती हुई थी तो उसको 10 अंक, अगर वो उस गृह जिले का निवासी है जहां के लिए आवेदन कर रहा है तो उसको 10 अंक, और अगर उस गांव का निवासी है तो उसको 5 अंक, इस प्रकार बोनस अंक निर्धारित कर दिए थे। फिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की जा रही भर्ती को अवैध ठहरा दिया था। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी और काफी सारे लोगों को नियुक्तियां दे दी, और तब ये मामला नियुक्ति देने के बाद एक बार बंद हो गया था। अब ये चुनाव का साल है, सरकार फिर चाहती है कि 98-99 में जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पंचायत राज के तहत मेरिट बेस पे हुई थी उसमें जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, ऐसे करीब 1100 लोग हैं राजस्थान में, उनको अब सरकार नियुक्ति देना चाहती है। तो सरकार ने इस संबंध में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं डीओ और जिला परिषद के जो सीओ हैं उन सबको निर्देश दिए थे कि वो जल्दी से जल्दी उस लिस्ट को 28 अगस्त से पहले पहले जो है निदेशालय में जयपुर भिजवा दें ताकि जो लोग बचे हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए, ठीक है। इस संबंध में क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा 28 अगस्त का। 28 अगस्त को लेकर जयपुर में एक उच्च स्तरीय ऐसी बैठक होने वाली है जिसमें इस भर्ती को लेकर डिस्कस किया जाना है, और सरकार पूरी तरह पॉजिटिव है कि ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दें। लेकिन अब कहीं कहीं यारों समस्या ये आ रही है कि 20 साल पुरानी ये भर्ती है, वो रिकॉर्ड कहीं खराब हो गया है, कहीं किसी ने सीज कर दिया है, तो इस प्रकार के लोग जो है वंचित रह सकते हैं। मेरा मैसेज ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड पर्सनली जो आपने रख रखा हो, है ना, कोई आपका रिजल्ट आया हुआ उस टाइम का, कोई आपकी मेरिट आई हुई उस टाइम की, या आपने फॉर्म लगाया उसकी वजह स्लिप हो, तो जो भी रिकॉर्ड या जो भी सबूत इस संबंध में आप अपने पास रखें, नहीं है तो उसको ढूंढ लें, क्योंकि जब 28 अगस्त के बाद इस भर्ती को लेकर कोई डिसीजन आएगा या कुछ होगा तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो हालांकि 20 साल बाद भर्ती की जो खुशी है वो भी एक तरह से कमजोर पड़ जाती है, काफूर हो जाती है, पर फिर भी आप लोग जो अभी तक हिम्मत बनाए के रखी है बहुत अच्छी बात है, आगे भी हिम्मत बना के रखें क्योंकि सरकार का कुछ नहीं कह सकते। अब यार ये 20 साल पुरानी भर्ती सरकार ने फिर हरी कर दी है, फिर उन लोगों को नियुक्ति देने जा रही है सरकार, तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आपके पास जितने भी परमिशन लेटर है संभाल के रखें, आप चाहे फेल हुए हो चाहे पास हुए हो चाहे कुछ भी हुए हो आप संभाल के रखें, और जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाए तब तक संभाल के रखें, क्योंकि आजकल सरकारों का कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी याचिका पर कब फैसला आता है, इस देश में ऐसा ही चलता है। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो। तो दोस्तों इस वीडियो का मैसेज ये था कि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो जानकारी मिल जाए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को बता दें जिन्होंने 98-99 में आवेदन किया था, अगर वो लोग आपके टच में हैं तो उनको जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप मुझे भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, ऐसे यूजफुल वीडियोज मैं आपके लिए लाता ही रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।